नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा। आप देख रहे हैं चैनल एनोटेशन। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस का प्रकोप से पूरा विश्व लड़ रहा है। भारत में आज 3 अप्रैल 2020 लॉकडाउन का नवा दिन है। लगभग सारे इंडस्ट्रीज बंद हैं, कुछ एसेंशियल कैटेगरी का जो इंडस्ट्रीज हैं वो खुले हुए हैं। इस बीच में एक फिनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष खत्म हो गया और 2020-21 वित्तीय वर्ष जो है वो शुरू हो गया। ऐसे में पर्यावरण व्यवस्था, उसका जो कानून का अनुपालन कंप्लायंसेस को लेके कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट श्री रविंद्र त्यागी जी, जिनका कि 42 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस इस फील्ड में है। त्यागी सर नमस्कार। नमस्कार मिश्रा जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। लॉकडाउन में कैसे कर रहे हैं? ये बेस्ट तरीका है ऑनलाइन इंटरेक्ट करने का। बिल्कुल, बहुत ठीक है आपने। लॉकडाउन का समय भी इस्तेमाल होना चाहिए, बिल्कुल घर में आइडल बैठने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा मौका है कि आप पढ़ाई लिखाई करें, जो आपका अपना फील्ड है उसमें जो रेफरेंसेस के लिए अपनी बुक्स, अपने नोट्स को एक बार रिवाइव करें। इससे नॉलेज भी अपडेट होगी और जिस कभी किसी को अगर जरूरत पड़ती है तो उसकी मदद की जा सकती है और अच्छे से मदद की जा सकती है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने सर। आपका 42 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रहा है, क्या आपकी इतने लंबे एक्सपीरियंस में कोई ऐसा मौका आया था पहले? नहीं, इंडस्ट्री में इस तरह का मौका कभी नहीं आया कि इंडस्ट्री को इतने लंबे समय के लिए बंद कर दिया गया। तो इस तरह का इंडस्ट्री को पहला ये एक्सपीरियंस फेस करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंप्लायंस के इशू, जो अभी फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हो गया, कुछ लोगों की रिटर्न्स थी, कुछ लोगों की रिकॉर्ड कीपिंग थी, वो हाँ। सभी अभी डिस्टर्ब होकर रह गई है। तो जब फैक्ट्रियां खुलेंगी, इंडस्ट्री जब वापस अपनी नॉर्मल वर्किंग पे जाएगी, तो उनको हो सकता है कुछ दिक्कतें आए, तो उसी मैं के लिए कुछ काम होना चाहिए। एक एक अगर हम और कुछ और बातें अगर देखें, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि पहले भी इंडस्ट्रीज ऐसे लॉकडाउन हुए थे, जैसे कोई स्ट्राइक हो गया कभी, तो या फिर कोई लीगल इम्प्लीकेशन आ गया, कोई कोर्ट ऑर्डर आ गया, क्लोजर इश्यू हो गया स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पीसीसी से। तो उस लॉकडाउन, उस टाइप का लॉकडाउन और ये लॉकडाउन में जो नेशनल लॉकडाउन है, ये इसमें क्या अंतर देखते हैं सर आप? हाँ, इसमें आपको भी शायद याद होगा, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय भी एक आंदोलन चला था और लगभग नॉर्दर्न इंडिया में, दिल्ली में, एनसीआर, पूरा हरियाणा, यूपी का काफी हिस्सा, ये इसमें कर्फ्यू लगा दिया गया था। उस समय भी फैक्ट्रियां हफ्ते 10 दिन के लिए बंद थी और हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जब एसोसिनेशन हुआ, उस समय भी काफी लंबे समय तक इंडस्ट्री को बंद किया गया। लेकिन तब इतना लंबा वो नहीं था और वो तब ये फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग वाला समय नहीं था, तो तब की समस्याएं थोड़ा अलग थी और आज की समस्याएं अलग हैं। इतने इतने समय में इंडस्ट्री में, जहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लग गए कुछ इंडस्ट्री में, क्योंकि एनसीआर में बड़ा जोर रहा है इसका, एनजीटी का, कि जहां पर भी 200 या 200 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं वहां पर आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था करनी है। तो उस तरह की व्यवस्था आपसे 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, क्योंकि वीपी सिंह के आंदोलन को तो लगभग 30 साल हो गए और सन 84 में भी एक 26 साल का अरसा हो गया, तो तब इस तरह की व्यवस्थाएं इंडस्ट्री में नहीं थी। तब कंप्लायंसेस डिफरेंट तरीके से थे, आज के डेट में कंप्लायंसेस का रूप जो है थोड़ा सा बदल गया है, तो इस समय इंडस्ट्री को थोड़ा सा ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। अब जैसे इंडस्ट्रीज का अगर हम इसमें देखें, इस बीच में एक फाइनेंशियल ईयर जैसे बदल गया है, नया फाइनेंशियल ईयर आ गया है, तो इंडस्ट्रीज में ईएचएस, एनवायरनमेंट हेल्थ और सेफ्टी को लेके जो कंप्लायंसेस होते हैं, उसके ऊपर कैसा असर पड़ रहा है और उनको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए जब इंडस्ट्रीज खुल जाए तो? एक तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंसेंट लेनी होती है, कंसेंट टू ऑपरेट फॉर एयर एमिशन मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट फॉर हैजार्डस वेस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट।
लगभग देश में सभी जगह पर ये व्यवस्था है कि आपकी कंसेंट एक्सपायर होने से 30 डेज बिफोर, 30 दिन पहले आपको अपने रिन्यूअल की एप्लीकेशन फाइल करनी है। तो मैं समझता हूँ कि लगभग सभी नाइन्टी डेज इंडस्ट्री, नाइन्टी कुछ जगह में सर 90 डेज कर दिया है और कुछ जगह जैसे में हरियाणा एक सौ है बीस 90 दिन कर डेज दिया है। हाँ, वो पॉल्यूशन बोर्ड, ये जो हाँ वाटर हाँ एक्ट में जो प्रोविजन है वो 30 दिन का है, हाँ लेकिन स्टेट टू स्टेट सब लोगों ने, क्योंकि जब ये रूल बना था तब इतनी इंडस्ट्री नहीं थी, इतने कंप्लायंसेस नहीं थे। हाँ अभी क्योंकि डिपार्टमेंट का तो बहुत ज्यादा विस्तार हुआ नहीं, इंडस्ट्री का विस्तार बहुत तेजी से हुआ, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी, क्योंकि आज की तारीख में लगभग सभी जगह पर कंसेंट मैनेजमेंट जो है वो ऑनलाइन हो गया है, तो इतनी सारी कंसेंट एप्लीकेशन रिव्यू करने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी समय चाहिए, तो वो लोग कहीं पर 120 दिन पहले एप्लीकेशन मांगते हैं, कहीं पर 90 दिन पहले मांगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लगभग सभी इंडस्ट्री ने अपनी एप्लीकेशन फाइल की होगी, या अगर किसी वजह से किसी की एप्लीकेशन अगर छूटी भी है तो शायद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई उनको रिलैक्सेशन शायद मिलेगी कि वो लोग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर रिलैक्सेशन नहीं भी मिलती है, आप अपनी एप्लीकेशन मिस करके किसी वजह से, तो आप लेट फीस करके तो कर ही सकते हैं, तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी जी लेकिन जैसे अभी किसी का अगर हैजरस वेस्ट, जैसे हमारे रूल हैजरस वेस्ट का जो रेगुलेशंस हैं उसमें 90 डेज से ऊपर नहीं स्टोर कर सकते हैं, और वैसे ही ई वेस्ट का कुछ है 180 डेज से ऊपर नहीं कर सकते हैं, तो उनका मान लीजिए किसी ने जिसको मार्च में या मार्च लास्ट वीक में जिसको डिस्पोज ऑफ करने का प्लान था और वो स्टक हो गया, तो उसको अभी कैसे हैंडल करेगा वो? उसके लिए जब उन्होंने ये प्लान किया होगा कि मुझे डिस्पोजल करना है, तो ये कम्युनिकेशन उनका जो रिसाइकलर है उसके साथ कुछ रिटन कम्युनिकेशन रहा होगा, उस कम्युनिकेशन को एज ए रिकॉर्ड यूज करें, और जैसे ये लॉकडाउन ओपन होता है, जैसे इंडस्ट्री अपनी नॉर्मल वर्किंग पे जाती है, तो उनको चाहिए कि उनका जो रिसाइकलर है, ऑथराइज रिसाइकलर जिसको, जिसके साथ उनका भी कॉन्ट्रैक्ट है या जो उनके संपर्क में है जिसको वो देना चाहते हैं, तुरंत से उसको एक लेटर लिखें और उसको रिक्वेस्ट करें कि विद इन 3-4 डेज वो उसको लिफ्ट करे। जाहिर सी बात है कि उनके पास भी वर्कलोड होगा, वो भी आजकल बंद करके बैठे हुए हैं, जी और बहुत सारी इंडस्ट्री से आएगा उनके ऊपर, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर मैं हरियाणा का उदाहरण दू तो हरियाणा में सिर्फ एक ही साइट है, जयपील की जो साइट है, गुजरात एनवायरो की ना, जी तो उनके पास वर्कलोड तो बहुत बढ़ जाएगा, तो सभी इंडस्ट्री को, उनके पास इतने सारे ट्रक्स नहीं होते कि वो 100 इंडस्ट्री को या 50 इंडस्ट्री को कैटर कर सके एक दफा में, तो वो निश्चित रूप से आपको फोन करके बोलेंगे कि साहब मैं अगले हफ्ते आऊंगा, तो उसको कहिए कि फोन आपका उसने नोट कर लिया, लेकिन आप उसको कहिए कि आप उस आपके लेटर का जवाब राइटिंग में दे, जिससे कि वे रिकॉर्ड आपके पास में आए, कल को पॉल्यूशन बोर्ड को आप ये कह सकें कि आप क्यों मिस कर गए, क्या कारण था, क्योंकि पॉल्यूशन बोर्ड तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि उनके पास में मैकेनिज्म, उनके पास एक तो स्टाफ की बहुत भारी कमी रहती है, जी इंडस्ट्री को देखते हुए अगर मैं देखूं तो मैंने 40 साल 42 साल में देखा कि मैं, क्योंकि पूरा का पूरा मेरा टेन्योर फरीदाबाद में रहा और 30 साल तो मेरा एक ही इंडस्ट्री में रहा, तो ऑफिस जी में जो आना जाना लगा रहता था, लोगों से जान पहचान भी हुई, लोगों से अच्छे रिलेशन भी बने, बहुत अच्छे लोग हैं पॉल्यूशन बोर्ड के अंदर नो डाउट, लेकिन उनके पास इतना वर्कलोड है कि वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, एक एक इंडस्ट्री को एक चिट्ठी नहीं लिख सकते, उनके पास तो जो अपना पहले साइक्लो स्टाइल मशीन होती थी, आज के डेट में उनके पास एक लेटर का फॉर्मेट जो पड़ा हुआ है कंप्यूटर के अंदर, वो तो उसका प्रिंट निकालेंगे, वो सबको भेज देंगे कि आपने मिस किया, आपको शोकॉज नोटिस हो गया, तो शोकॉज नोटिस से घबराने की जरूरत नहीं है, वो उनकी ड्यूटी है भेजना, उनका भी काम है कि जिसने मिस किया है, जिसने कंप्लायंस फॉलो नहीं किया, तो उसको एक चेतावनी पत्र वो दें, उसको चेताएं कि भाई साहब आपने ऐसा किया है, आप 15 दिन में जवाब दीजिए, तो आप अपना जवाब कि आपने कब रिसाइकल, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली है। हाँ, लेकिन रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर होनी चाहिए, वर्बल रिकॉर्ड पॉल्यूशन बोर्ड कोई भी नहीं मानेगा, वर्बल रिकॉर्ड जो भी बनाए वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनाए, एक आपके पास चिट्ठी होनी चाहिए, आपने रिसाइकलर को चिट्ठी ली, उसने आपको जवाब दिया, फिर आपने एक डेट फिक्सअप की, वो सब चिट्ठी होनी चाहिए, और जब आप पॉल्यूशन बोर्ड की ऐसा कोई लेटर आता है आपके पास, तो जब पॉल्यूशन बोर्ड को आप जवाब देंगे तो अपने आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस है रिसाइकलर के साथ में, उस सबको अटैच करके उनको जवाब दे दें। क्या ऐसे सिचुएशन में इंडस्ट्री जो बॉडीज हैं जैसे इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस होते हैं,
नेशनल लेवल में कुछ है, कुछ इंटरनेशनल सॉरी लोकल लेवल में है। नेशनल लेवल में अगर हम बात करें तो एसोचैम है, फिक्की है, सीआईआई है, ESGCCI है। क्या ये लोगों को ऊपर आके रिक्वेस्ट करना चाहिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को कि आप एक रिलैक्सेशन के लिए कुछ इसमें ये भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये राज्य का विषय है। हाँ, इसमें जो रोल होता है वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का होता है। तो इसमें नेशनल लेवल के साथ साथ जो स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एसोसिएशंस बनी हुई, जैसे गुड़गांव में इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, फरीदाबाद में फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, हर जगह पर इस तरह की एसोसिएशन है इंडस्ट्री की। PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो पूरे पंजाब हरियाणा दिल्ली को डील करता है, उनको चाहिए कि वो रेस्पेक्ट अपने जो उनके मेंबर स्टेट हैं, जिस स्टेट में वो फंक्शन करते हैं, वहाँ के पॉल्यूशन बोर्ड को लेटर लिख के उसकी कॉपी CPCB को भी मार्क करें, NGT को भी मार्क करें, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को भी मार्क करें। इवन वो उसी रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरी है उनको भी मार्क करें कि इंडस्ट्री को ये जो मिस हुआ ये इंटेंशनली नहीं किया गया, उनकी कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी, ये सिचुएशन ऐसी बनी कि मिस हो गया। तो ऐसी चिट्ठी दे सकते, देनी चाहिए उनको। एसोसिएशन बनी इसलिए होती है कि इंडस्ट्री को ऐसी जो विषम परिस्थितियां आती हैं उनमें फैसिलिटेट कर सके, उनकी मदद कर सके, उनको गाइड कर सके। बल्कि मैं एक स्टेप आगे जाके बोलूंगा कि जो PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, उनको एक लेटर इंडस्ट्री जो मेंबर इंडस्ट्री है या नॉन मेंबर, सबको उनको एक चिट्ठी भेजनी चाहिए कि आपका पीरियड मिस हुआ होगा, कुछ इसमें दिक्कत आई होगी, लेकिन अब आप इंडस्ट्री, क्योंकि अब सब कुछ लॉकडाउन हट गया है, इंडस्ट्री फंक्शन में आ गई है, आप लोग अपने जो रूटीन के काम है उनको रेगुलराइज कर लीजिए, उनकी तरफ से भी जाना चाहिए, और उसकी कॉपी वो पॉल्यूशन बोर्ड को भी मार्क करें। सर, जैसे एक बात अगर हम देखें, 90 डेज से पहले कंसेंट अप्लाई हो गया, 120 डेज से पहले कंसेंट अप्लाई हो गया, और कईयों को कंसेंट इश्यू भी कर देती है सरकार, क्योंकि आजकल चाहे कितना भी कहा जाए, इस पार्ट को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और PCC जो पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज हैं वो काफी फोकस करके कर लेते हैं। और मान लीजिए मार्च तक उन्होंने लगभग क्लियर कर दिया है, कोई इक्का दुक्का बच गए हों पूरे इंडिया में, तो अगर हम उनके बात करें तो क्या उनको, जैसे लॉकडाउन हटता है तो उसके बाद उनको क्या करना चाहिए? पहले वो कंसेंट, मतलब जो कंसेंट को फॉलो अप करें, अप्लाई किया है तो ठीक है उसको फॉलो अप करें, और अगर अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो पहले अप्लाई करें। वैसे ये छुट्टियों में भी ऑनलाइन तो अप्लाई हो ही सकती है, उससे पहले तो वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं शायद। नहीं, अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत सारा डेटा जरूरत होती है। हाँ। और डेटा सबके घर में, तो बहुत सारे लोग हैं जो लोग पॉल्यूशन बोर्ड से डील करते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी है या जहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, जहाँ पर 1000 से ज्यादा एम्प्लॉई है, वो लोग तो एक अलग डिपार्टमेंट है इसको डील करने के लिए। लेकिन जहाँ पर 1000 से स्ट्रेंथ कम है, सामान्य रूप से देखा गया कि वहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ जो डीलिंग है वो HR डिपार्टमेंट की है। तो HR डिपार्टमेंट को ये सारा डेटा प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चरिंग से लेना है, कुछ स्टोर से लेना है, कुछ फाइनेंस से लेना है, तो वो लोग घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो वो तभी अप्लाई कर पाएंगे जब फैक्ट्री खुलेगी, उसमें भी उनको 3-4 दिन 5 दिन हो सकता है लग जाए। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपकी कंसेंट को रिफ्यूजल नहीं कर देता है या आपको कोई शोकॉज नोटिस देके कोई जवाब नहीं मांगता, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पुरानी कंसेंट आपकी एग्जिस्ट करती है, आपने कंसेंट अप्लाई कर दी, 90 डेज में उसको रिजेक्ट करना या फर्दर रिन्यू कर देना, अप्रूवल दे देना, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ड्यूटी है। तो उसमें ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। जैसे आपने कहा हरियाणा में एक ही जो TSDF है, ये हैजर्डस वेस्ट का, तो जहाँ पे एक एक है वहाँ ये प्रॉब्लम तो आएगी उनको पिक करने में, वेस्ट को पिक करने में। अब जैसे ये फिनेंशियल ईयर खत्म हो गया है, तो इसका अभी जो जून 30th से पहले कोई भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो ये उनको क्या लिखना चाहिए इसमें कि स्टोर करके रखा हुआ है इतना वेस्ट, ये लिखना पड़ेगा, या इसको डिस्पोजल करने के बाद वो भी इनकॉर्पोरेट करके जो आगे जितना भी रिटर्न जाएंगे उसमें इनको शो करना होगा? जून में जो अपने वो एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे, 31 मार्च तक जो डिस्पोज हो गया, वो भी 22-23 के बाद में तो लॉकडाउन में चला गया कंट्री, उस तारीख तक जो उन्होंने डिस्पोज किया है वो डिस्पोजल वाली उसमें चला जाएगा कैटेगरी में। जो उनके पास में स्टोर्ड
है क्वांटिटी वो स्टोरेज में वो उसको दिखाएंगे और वो फिर कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जिसको वो बाद में अप्रैल में डिस्पोज ऑफ करें और अपने पास रिकॉर्ड ठीक से रखें, क्योंकि उसमें बहुत सारे ये जो रिटर्न फाइल करेंगे फॉर्म नंबर 4, फॉर्म नंबर 13 आपके एवरी मंथ मेंटेन करना है। हाँ। वो जो मंथली रिकॉर्ड है वो आपका ठीक से रहे, क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनजीटी जब उनसे जवाब मांगेगा तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपसे जवाब मांगेगा, तो आपका रिकॉर्ड ठीक से होना चाहिए। जो 31 तक डिस्पोज ऑफ हो गया वो रिटर्न में चला जाएगी क्वांटिटी, जो नहीं डिस्पोज ऑफ हो वो नेक्स्ट ईयर की जो रिटर्न जाएगी 2021 में उसमें चला जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड आपका ठीक से होना चाहिए। रिकॉर्ड ठीक से होना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट रूल, वो रिकॉर्ड कीपिंग आपकी दुरुस्त होनी चाहिए। एक और सवाल है, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जैसे अभी आपने कहा कि ETPs भी बंद हो गए हैं, STPs बंद हो गए हैं, नेचुरली वो बंद हुए पड़े होंगे, तो उनको अब जैसे 15 दिन 21 दिन लगभग एक महीना मेरे ख्याल से, तो इसमें क्या कुछ टेक्निकल ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स आएंगे इनिशियली जैसे रिज्यूम करेंगे इंडस्ट्री? ATP में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई उसमें सिर्फ केमिकल डोजिंग है। जैसे आपका ट्रेड एफ्लुएंट आना शुरू होगा आप एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ डोजिंग कीजिए, आपका प्लांट चालू हो जाएगा। जहां पे दिक्कत आने वाली है जहां पर ट्रीटमेंट होगा वहां पे प्रॉब्लम होगा, जहां पर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, क्योंकि बैक्टीरिया तो इतने दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बैक्टीरिया तो मर चुका। जब आप बैक्टीरिया कल्चर दोबारा से ऐड करेंगे तो हो सकता है किसी एंड पर आपको कुछ क्लीनिंग की जरूरत पड़े, बैक्टीरिया को डेवलप करने में आपको टाइम लगेगा, वो सब चीजें नॉर्मल आते आते हफ्ता 10 दिन लगेगा। लेकिन पहले दिन से आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि आपने कब बैक्टीरिया कल्चर इसमें डाला, क्योंकि किसी भी फैक्ट्री के पास से बैक्टीरिया कल्चर नहीं होता है, वो उसको मार्केट से परचेज कराना है, उसके बाद में अपने यहाँ पर सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, बैक्टीरिया डेवलप करेंगे, उसके बाद फिर वो अपना जो ट्रीटमेंट टैंक है उसके अंदर ऐड करेंगे, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस है, हर एक उस स्टेप के ऊपर जाके आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें। जब आपका बैक्टीरिया कल्चर आपने ऑर्डर किया, अब ये नहीं होना चाहिए कि इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल 15 अप्रैल को खुल गई और आप आराम से बैठे हुए हैं कि नहीं यार पहले प्रोडक्शन चले उसके बाद में हम इसको मंगाएंगे, क्योंकि आप जिसको ऑर्डर करेंगे वो भी मार्केट पूरा बंद है, हो सकता है जो जो लोग इसमें डील करते हैं उनके पास भी नहीं होगा, वो अपना मैन्युफैक्चरर से कहीं से कुछ अरेंज करेगा। लेकिन ये सब चीज जो भी कम्युनिकेशन होगा जहां पर भी सब लेटर में होना चाहिए, ईमेल के थ्रू होना चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन वो आपको कहीं पे भी प्रोटेक्शन नहीं देगा, कहीं पे सेफगार्ड नहीं करेगा। 4 दिन बाद ही उसको फॉलोअप शुरू कीजिएगा कि आपके 5 to 7 days की जो लिमिट है वो नजदीक आ रही है, प्लीज हरी अप। तो ये सारी कार्रवाई चलते रहनी चाहिए और आपकी जो डेली की लॉग बुक है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की भी और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी, डेली बेसिस पे उसको आप रिकॉर्ड रखें। इवन आप ब्लोअर तो चला के रखें, कम से कम उसको BUD लेवल तो आपका नीचे आएगा, CUD लेवल तो आपका नीचे आएगा, ऑक्सीजन तो मिले आपके पास जो आपका स्टोरेज है, तो वो आपकी मीटर रीडिंग, आपकी जो भी केमिकल डोजिंग वहां पे हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग, वो पहले दिन से शुरू हो जाए। अभी आपने सुना होगा यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो ये रूल रेगुलेशन को अभी कोविड का जो भी इम्पैक्ट की वजह से उसने कैप्टन एवेंस जो कहते हैं ना उसको अवॉइड कर दिया है, मतलब यू कैन रन द इंडस्ट्री, आप इंडस्ट्री चलाइए, कोई रूल रेगुलेशन आपको एप्लीकेशन नहीं है अभी। क्या थोड़े दिन के लिए हमारे देश में भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि केमिकल्स आने में भी दिक्कत हो सकती है ETP चलाने के लिए, आप एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस चलाने के लिए या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चलाने के लिए, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसको मद्देनजर रख के कुछ इसके ऊपर रिलैक्सेशन देगा इंडस्ट्रीज को, देना चाहिए क्या? रिलैक्सेशन का मतलब फिर ये नहीं हो जाना चाहिए कि लोग रिलैक्सेशन के आड़ में अपने प्लांट, क्योंकि अमेरिका की जो वर्क कल्चर है उसको हम अपने यहाँ की वर्क कल्चर से कंपेयर ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों को वो एक कथा आती है ना कि किसी शंकर भगवान का मंदिर था गांव में, ये कहा गया कि मैं सब लोग का लेके एक लोटा दूध चढ़ाएंगे शिवलिंग के ऊपर, तो सोचा कि यार सब लोग चढ़ा रहे हैं, अगर मैं पानी चढ़ाऊंगा तो क्या पता चलेगा किसी को, मालूम पड़ा कि सभी ने ऐसा सोचा और दूध गया नहीं सारा, 100% पानी चला गया वहां पर। तो हमारे यहाँ थोड़ा स्थिति वहां से अलग है, तो अक्रॉस द बोर्ड वो ओपन एक वो
कारपेट अप्रूवल नहीं मिलनी चाहिए किसी को, घर जो मर्जी नहीं करते रहो, जब तक मिलनी स्थिति ठीक होगी तब देखा जाएगा। हाँ, ये चाहिए। आना चाहिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, आप अपना प्लांट चालू करें हाँ, और सब चीजों का रिकॉर्ड ठीक से रखें और कोशिश करें जितना जल्दी आप कंप्लायंस को मेंटेन कर सकें, इसमें टेंशन की जरूरत नहीं। भैया मैं भी सबको ही जानते हैं कि आज अगर फैक्ट्री खुली है तो इस एसटीपी को तो नॉर्मल फंक्शन में आते आते 15 से 20 दिन लगने वाले हैं, 15 से 20 दिन लग जाएंगे। हालांकि मौसम सही है, अभी मौसम सही है, विंटर होता तो शायद, या कोई और सीजन होता तो शायद थोड़ा सा दिक्कत होता। एक और सवाल आ रहा है सर, एक और सवाल है, आपको चाइनीज एक्सपीरियंस है, मुझे याद है आप चाइना कई बार गए हैं, चाइना में आपका एक यूनिट होता था, तो चाइना कई बार गए हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा अभी जैसे ये तो ओरिजिनेट, ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट ही हुआ था चाइना में, पहली पहला चाइना में ही हुआ, तो क्या चाइना में जो प्रॉब्लम्स आए थे इंडस्ट्रीज को उसके बारे में कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है, कैसे उन्होंने उस ये प्रॉब्लम्स को इंडस्ट्रीज ओवरकम करके आया? असल में जो सभी इंडस्ट्री को उन्होंने शुरू में जो लॉकडाउन किया था पूरे, वो सब जगह उन्होंने लॉकडाउन इस तरह से नहीं किया जैसे इंडिया में हुआ है। उन्होंने वुहान को और वुहान जिस प्रोविंस में पड़ता है उसको उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। उनकी इंडस्ट्रियल बेल्ट शंघाई के आसपास 300 किलोमीटर की पेरीफेरी में बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो वहां पे 4-5 दिन का लॉकडाउन रहा और वहां पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो उनकी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उनकी फंक्शनिंग और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की फंक्शनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उनसे हम उसको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन उनके साथ में बनता नहीं है। तो हम अपनी परिस्थितियों को देखें, अपनी परिस्थिति के अनुसार काम करें। हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चाइना की जो प्रोटेक्शन एजेंसी है उससे बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा कंट्रोल करती है, बहुत अच्छे से मैनेज भी करती है और साथ साथ हमारी इंडस्ट्री उनसे ज्यादा सीरियस है अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड सर, थैंक यू सो मच, वेलकम।